के रीवा जिले के चाक घाट में पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत, दो आरोपियों को हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार। रीवा जिले के चाक घाट थाना अंतर्गत बीती शाम पारिवारिक विवाद के चलते खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़ने वाले एक ही परिवार के दो पक्ष थे। छोटी सी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रमा शंकर नामक व्यक्ति की हालत गंभीर थी, जिसे इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रमा शंकर की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे की तलाश चल रही है। आपको बता दें कि महज काली गलौज से इस घटना की शुरुआत हुई थी, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से चाकघाट थाने में शिकायत की गई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। चाकघाट में एक पारिवारिक विवाद है, केवट और माझी परिवार है, आपस में अगल बगल रहते हैं, इनका विवाद हुआ था। हालांकि इस घटना के पूर्व इनके किसी प्रकार के कोई विवाद और झगड़े की सूचना थाने पर नहीं थी। झगड़ा हुआ और छोटी बात पे, मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ कि तुम हमारे पिता के बारे में गलत सलत बोलते हो, गाली बकते हो, इसी बात पे आपस में झगड़े। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चोटें पहुँचाई, एक पक्ष से एक व्यक्ति का पैर टूटा है, दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति जिसका नाम शिव शंकर, उसको ज़्यादा चोटें आई थी, वो जो है तत्काल जो है पुलिस ने उसको रिफ़र करा दिया, क्योंकि यहाँ पर रिफ़र कराने में ज़्यादा समय लगता, तो तत्काल वहाँ से वो स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद के लिए रिफ़र हुआ और वहाँ पे इलाज के दौरान सुबह 3-4 बजे के बीच में उसकी मृत्यु हो गई है। इस मामले में दो संदेहियों को, जिसमें हत्या का प्रकरण कायम है, उसमें दो संदेहियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दो पुलिस की हिरासत में, तीसरे की आरोपी की तलाश जारी है।